बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शहर कराची के अंदर एक बहुत शानदार एक्टिविटी आज ये जवान कर रहे हैं मज़ार कायद के करीब। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने इनको एक्टिविटी करते हुए देखा। इस एक्टिविटी के हवाले से जुहैब भाई कुछ अपडेट देंगे, इंशाल्लाह उनसे अपडेट देते हैं। कराची हमने एक साल पहले शुरू करी थी, तो हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वॉल आउट कर रहे हैं ताकि हम लोग बाबा बंगाली निकल गया होता है, डॉक्टर सरदार अली जो कि वॉल डॉक्टर है उसको खत्म करें और कराची की ग्रोथ बनाए ताकि हमारा शहर खूबसूरत हो। एक साल में हमारी टीम जो ग्रो हुई है 2000 के करीब हमारी टीम हो चुकी है, जिसके अंदर हाफ वॉलेंटियर हैं, हाफ आर्टिस्ट हैं, 70% तकरीबन हमारे पास जो है वो गर्ल्स हैं। तो इसी तरीके से गए हुए हम लोग चाहते हैं कि पूरे से गेट हो कराची के लिए खड़े हो ताकि हम लोग कराची में खूबसूरत बना सकें। जो भाई कितने इसमें इसके फाइनेंस कौन कर रहा है, इसमें जो आपके खर्चे आते हैं तो बजटिंग कोई कर रहा है, आपको सपोर्ट दे रहा है इसमें? कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो जिनको मैं खुद फाइनेंस करता हूँ, जिनको मैं खुद सपोर्ट करता हूँ। कुछ प्रोजेक्ट बनों की तरफ से करवाए जाते हैं, कुछ कंपनी की तरफ से करवाए जाते हैं। तो डिफरेंटली गए हैं हम, हर वे में जाकर कराची की बेहतरी के लिए काम करते हैं। जिंदा हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कोई प्रोफेशनल भी है, इसके अंदर कोई बिजनेस मैन भी है, कोई आर्ट के स्टूडेंट है, किसी को बाय प्रोफेशन आता है, किसी को बाय बर्थ आता है, तो हम लोग इसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखते कि आपको आर्ट के स्टूडेंट चाहिए, आप बस कराची को खूबसूरत बना देंगे और आप हमें आगे करेंगे। और रंजन कराची के साथ से काम कर रहा हूँ, पहली एक्टिविटी हमने पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन से पहला काम कर, बाकी टीम का ये अभी मैं कॉलेज कंपनी करा चुका मैं इधर ऐसा वॉलेंटियर की हमारे काम करता हूँ, जो दिन मैं खुद करता हूँ काम करता हूँ। ये है कि हम अपने शहर पर अच्छा कर लेते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो शहर है वो अच्छा रहे। ठीक है, ठीक है। क्रिसेंट आर्ट गैलरी की तरफ से बच्चे इस वक्त बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप ये देखें, यह आसान नहीं है, माशाल्लाह से ऊपर चढ़ी है। और शहर को साफ़ करने के लिए, नीट एंड क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। क्या कहेंगी बेटा? बस यही कि हम ये काम कर रहे हैं शहर को साफ रखने के लिए और बराए मेहरबानी से गंदा ना कीजिए। ये प्यारी बात की है, बहुत मुश्किल काम है साफ करना और आप लोग 2 मिनट में गंदा कर देते हैं और हमें बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है साफ करने में। और ये बहुत बड़ी कॉज है, मैं समझता हूँ शहर को साफ़ करना, मुल्क को साफ़ करना, ये बहुत बड़े माइंडसेट का गेम है। बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगी आप माशाल्लाह से? इसको गंदा मत कीजिएगा, बहुत मेहनत लगी है और मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ऊंचाई से डर लगता है और उसके बावजूद माशाल्लाह से देखें आप, ये सीढ़ी पे खड़े होके सिर्फ अपने शहर को साफ करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, जो रियली अप्रिशिएटेड। ये देखिए आप माशाल्लाह से, और ये आसान नहीं है, एक्सेलेंट माशाल्लाह। और पाकिस्तान पुलिस भी यहाँ मौजूद है इनकी सिक्योरिटी के लिए। सर बच्चों के बारे में क्या कहेंगे जो एफर्ट कर रहे हैं बच्चे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी कर रहे हैं। आप माशाल्लाह इनकी सिक्योरिटी पर इस वक्त हैं, आपको कैसा फील हो रहा है कि ये बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, जो हम शहर को गंदा कर देते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा लग रहा है ना, देखिए बड़ा बेहतरीन है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए आप मुजाहरा कर रहे हैं और इन दीवारों को बहुत बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं जितना हमारे हक में है और हमें फैसिलिटी दी गई है, तो और अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं और मुहैया करा रहे हैं। बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग। आधे जाते लोग आते हैं, बहुत खुश होते हैं, किसी के लिए ये मतलब का सबक है, किसी के लिए रंगों की बहार है। क्या बात, कुछ किसी के लिए आंखों का सुकून हो जाता है, बच्चे देखते हैं बहुत खुश होते हैं, फैमिलीज आती हैं रुकती हैं, हमसे पूछते हैं क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे अप्रिसिएशन देते हैं। गुड, सबसे अच्छी बात है आप लोगों को शहर का दर्द है, ये सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, आसान नहीं है इन दीवारों को रंगना, इनमें कलर्स भरना, खूबसूरत रंग करना, उसमें इमेज बनाना, फिर इसको फाइनल करना, और ये बहुत बड़ा काम है।
टैलेंट माशा। अपना तारुफ के तो कराओ थोड़ा सा, आप अपना बताओ मेरा बच्चे, आप अपना नाम बताइए अपना। माशाल्लाह, कौन सी क्लास में हैं आप? क्लास सेवन में। क्यों कर रहे हैं पेंट, क्या दिमाग में क्या है? ताकि कराची साफ हो सके। क्यों कराची साफ क्यों कर रहे हैं आप? ताकि कराची गंदा ना हो। आपका शहर है, आपके मुल्क का शहर है, इसलिए आप चाहते हैं आपका मुल्क आपका शहर साफ सुथरा हो। जिंदाबाद है। देखिए आप, ये हम सब के लिए बहुत अच्छा मैसेज है, शहर कराची को साफ रखना ये हम सब की जिम्मेदारी है। और गुजारिश उन लोगों से जो पान छालिया गुटके और ये पिचकारियां मारते हैं, खुदारा ये सारी हरकतें बंद कर दें। वॉल चौकिंग जो हमारी सियासी जमातें कर रही होती हैं शहर को ख़राब करती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सब ना करें बराए करम, शहर कराची को साफ सुथरा रखें। ये वो बच्चे हैं इस शहर कराची की खूबसूरती के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। यंग लड़के हैं सारे बच्चे और हमारे शहर की बच्चियां इसमें शामिल हैं। देखें रंग की तैयारी कर रहे हैं और ये भी रंग की तैयारी हो रही है। देखिए अब एक डॉक्टर साहब पीछे बैठे हुए, सारे यंग लड़के माशाल्लाह। और सबसे अच्छी बात है शहर के लिए काम कर रहे हैं। पूरी टीम है इनकी जो डेडिकेटेड तरीके से काम कर रही है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। अपना तारुफ कराएं सबसे पहले, कौन है और क्यों कर रही है एक्टिविटी? मैं नेहा एन आर्टिस्ट हूँ और मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। बचपन से मुझे आर्ट का मिशन शौक है और हॉर्सेस बनाना मुझे बहुत मज़ा आता है और अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर हॉर्स पेंटिंग बना रही हूँ। और ये सेवन हॉर्स पेंटिंग है, कहा जाता है कि मतलब के लिए सेवन हॉर्सेस होते हैं, इसलिए मैं सेवन हॉर्सेस बना रही हूँ। दीवारों को क्यों पेंट कर रहे हैं, क्या मतलब लॉजिक क्या है, क्या मकसद है? एक तो ये कि हम कराची को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, दूसरा ये कि हमें एक्सपीरियंस भी हो रहा है, वॉल्स मिल रही है, तो हम आगे हमारे करियर के लिए भी अच्छा है, यहाँ से हमें अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। इसका मतलब है शहर कराची का दर्द है अंदर आपके। जज़ाकअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत पेंट देखें आप, वेरी ब्यूटीफुल। अब ये तैयार हो के इंशाल्लाह और खूबसूरत है। क्रिसेंट आर्ट गैलरी, नेक्स्ट संडे तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा, कमिंग संडे नहीं इसके बाद आने वाले संडे को इंशाल्लाह। दिस इज एक्सेलेंट। अल्लामा इकबाल की पोर्ट्रेट बनाई जा रही है, शायरे मशरिक अल्लामा इकबाल। फ्री योर माइंड, देखिए एक और टीम काम कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। यंग टीम है, यंग लड़के हैं और शहर कराची को खूबसूरत बनाने के लिए साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन करने का दर्द इनके अंदर मौजूद है। इस मौके पर मैं शहर कराची के लोगों से गुजारिश करूंगा, ख़ास तौर पे जो मेनपुड़ी गुटके पान छालियाँ और इस किस्म के ख़राब और गंदे नशे करते हैं, बराए करम इन दीवारों पे पान की पीके गुटके का गंदा रंग और गलीज किस्म की पिचकारियाँ ना मारें। ये इन बच्चों की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान पुलिस भी मौजूद है, बच्चों की सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। सिर्फ गुजारिश ये है कि शहर कराची के लोग जो मेनपुड़ी गुटके और ये सारे काम खाते हैं, बराए करम इसके ऊपर किसी किस्म की कुल्लियाँ ना करें।
सारे यंग बच्चे हैं माशाल्लाह से। और ये देखें एक प्यारी सी बच्ची ऊपर चढ़ी हुई है, ये कलर कर, शहर कराची को साफ सुथरा करने के लिए और उसको नीट एंड क्लीन करने के बहुत बड़ी एफर्ट है ये, और इस एफर्ट को जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। क्रिसेंट आर्ट गैलरी और ये बच्चे एफर्ट्स कर रहे हैं बहुत ही मेहनत से और बड़ी मोहब्बत के साथ ये पेंट कर रहे हैं। देखिए आप, और ये जो दर्द है शहर को साफ करने वाला, पाकिस्तान को साफ करने वाला, ये नाकाबिले बयान है, इसके लिए वर्ड्स नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कुछ कहेंगी आप? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, सारे बच्चे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ कहिए प्लीज। बस यही है कि हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा करें लोगों के लिए और उनको अच्छा फील हो, अपने लिए हमें भी खुशी मिलती है, हमारी दीवारें जो हैं वो अच्छी नजर आएं, कलरफुल नजर आएं, और इस चीज़ में सर नासिर जो हैं वो हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। क्रिसेंट आर्ट गैलरी की तरफ से जो है हमें ये प्रोजेक्ट मिला है और उन्होंने ही हमें यहाँ पे भेजा है और वही सारा कुछ हमसे करवाया है। शहर के लोगों से कोई गुजारिश करेंगे आप के पान की पीक ना मारे और इस किस्म की जो गंदगी हरकतें करते हैं हम लोग? इससे यही कहना चाहूँगी कि मेहरबानी करके ये जो करते हैं दीवारों पे लिखते हैं, स्प्रे करके चले जाते हैं, इसको ये करो, नवाज शरीफ भी हो गया, इमरान खान ही हो गया, इसको लिखना बंद करें, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अपने शहर को जो है वो ग्रूम करें, उसको अच्छा बनाएं, ये नहीं कि अपने शहर में लड़ाइयाँ और ये झगड़े वगैरह इसको आगे लेके जाएं और दीवारों पे शो करें। आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत से और एफर्ट लगा के इस पर स्केच करना और उसके बाद उसमें खूबसूरत रंग भरना, देखिए स्केच बनाया जा रहा है, पूरी टीम इस वक्त है मलकी भी, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस माशाल्लाह। क्रिसेंट आर्ट गैलरी, फाउंडर ऑफ द नेशन मोहम्मद अली जिन्ना का ये स्केच बनाया जा रहा है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, बानी है पाकिस्तान मोहतरम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ये पूरी टीम, और ये लियाकत अली खान का स्केच बना दिया गया है, इसको भी फाइनल नहीं किया, ये पूरी टीम, दिस इज एक्सेलेंट। जितना अप्रिशिएट किया जाए जितना असर आ जाए कम है। शहर कराची को साफ सुथरा करने के लिए ये मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही प्यारी पेंट्स देखिए आप, क्रिसेंट आर्ट गैलरी के ये जवान हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ आई लव कराची, बहुत ही प्यारा लग रहा है। वो जो एक गंदी संदी सी दीवार थी उसको बिल्कुल चेंज कर दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से शहर कराची को पोर्ट्रेट कर रहे हैं। और हमारे शहर में बाहर से लोग भी आते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के लोग आते हैं, एक बड़ा अच्छा मैसेज और बड़ा इम्प्रेशन जाता है। मेरी गुजारिश है जो हमारे दोस्त पान खाते हैं, गुटखा छा लिया, बराए करम इन दीवारों के ऊपर किसी भी किस्म की वो जो पिचकारी मार देते हैं उससे गुरेज करें। लुक एट दिस,
वाह ब्यूटीफुल। क्रिसेंट आर्ट गैलरी सर्विंग सिंस 2008 अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट। देखिए आप पूरी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों ने बहुत गंद मचा रखा हुआ था। यहाँ इस तरह लोग हर दीवारों पे लिख देते हैं, इस तरह जैसे ये बंगाली प्रकाश वाले लिख देते हैं। इसको सफाई करने के लिए हम ये प्रोग्राम बनाए। आप चाहते हैं शहर साफ सुथरा नजर आए, मुल्क साफ सुथरा नजर आए हमारा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। ये क्रिसेंट आर्ट गैलरी की तरफ से ये सारे लड़के इस वक्त और बच्चियां हमारी मेहनत कर रही हैं। इस एक्टिविटी को जितना अप्रिशिएट किया जाए, यह भी एक पॉजिटिव पिक्चर है हमारे शहर की।